व्हाट्सअप दोस्तों, का सिनोजेनिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजन शर्मा एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपको MG हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट को अवॉइड करना चाहिए एंड ऑफ कोर्स द डीजल वेरिएंट इज द वन टू गो फॉर। सो लेट्स गो। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी, बड़ी सिंपल सी फिजिक्स रिलेटेड स्टोरी है। ये वीडियो भी ज़्यादा टेक्निकली या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल बेसिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। एंड बात यह है कि सपोजिंग एक डोंकी है, ठीक है, उस डोंकी की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो एट मैक्स 200 kgs है। वैसे कितनी आई डोंट नो, बट लेट्स अज्यूम कि उसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 200 kgs है। अब होगा क्या अगर तो आप उस डोंकी से 200 kgs या 200 kgs से लेस लोड खिंचवा रहे हैं, तो डोंकी बहुत इजीली काम करेगा एंड उसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी एंड ऑफ कोर्स उसके जितने भी जॉइंट्स एंड मसल्स हैं वो भी अच्छी हेल्थ में रहेंगे। बट जैसे ही आप 200 kg से ऊपर जाते रहेंगे, उसी हिसाब से, क्योंकि डोंकी का थ्रेशोल्ड सिर्फ 200 kgs है, तो जैसे 200 kgs से वेट इंक्रीज होगा, वैसे ही डोंकी का जो जोर है वो काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाएगा। एंड होगा क्या, बेशक कुछ टाइम के लिए वो 200 kg से ऊपर, सपोजिंग 250-300 kg के लोड को खींचता रहे, दो बारी चार बारी वो उस लोड को खींच भी लेगा, लेकिन फाइनली क्या होगा कि उसकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट होने लग जाएगी। उससे क्या होगा, फाइनली एक दिन डोंकी सामान खींचना बंद कर देगा, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली उसकी लाइफ भी जा सकती है। सेम यही चीज़ है आपकी MG हेक्टर पेट्रोल में एंड उसका रीज़न उसका इंजन ही है। हेक्टर पेट्रोल में आपको एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इट मेक्स 143 bhp एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट जब मैं आपको ये बताऊँगा कि MG हेक्टर की जो लेंथ है इट इज़ नियर अबाउट 4.7 meters एंड जो उसका वेट है पेट्रोल वेरिएंट का वो 1550 kg से लेके 1650 kg तक है, तब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मैंने आपको पहले डोंकी वाली स्टोरी बताई। देखिए, 143 bhp एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क इज़ नॉट इनफ टू पुल अ वेट ऑफ अराउंड 1600 kgs, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड फील होती है। अब अगर आप नॉर्मल सिटी यूजेज के लिए ही गाड़ी ले रहे हैं देन इट्स अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि विद इन सिटीज़ लोग ज़्यादा लोड कैरी करते नहीं, ना ज़्यादा इंक्लाइंस पे ड्राइव होती है, सिंपल ट्रैफिक में से आपने निकलना एंड इट इज़ जस्ट फाइन फॉर दैट। बट अगर आपका यूजेज हिली एरियाज में है या फुल लोड ऑफ पैसेंजर्स कैरी करते हैं अलॉन्ग विद देयर लगेज रेगुलरली, देन ये गाड़ी आपको अवॉइड करनी ही चाहिए। इसका रीज़न ये है कि गाड़ी काफ़ी अंडर पावर्ड है, ठीक है, सेम डोंकी वाली स्टोरी है। अगर आप इतने छोटे इंजन से इतना ज़्यादा लोड कैरी करवाएंगे तो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो चुका होगा इंजन में, आपको सीधा सीधा यही लगेगा कि हाँ गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है, जबकि बात ही बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सी थी कि छोटा इंजन है, स्मॉल कैपेसिटी इंजन है, पावर ज़्यादा नहीं है, टॉर्क ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से आप उससे ज़्यादा ओवरवर्क करवा भी नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स जिस चीज़ से भी आप ओवरवर्क करवाएंगे उसकी लाइफ हमेशा ही कम होती जाएगी, इट्स अ जेन्युइन फैक्ट। दूसरा रीज़न आपको हेक्टर पेट्रोल क्यों अवॉइड करनी है वो भी फर्स्ट रीज़न से मिलता जुलता ही है, इनफैक्ट फर्स्ट रीज़न की थोड़ी सी एक्सटेंशन ही है। अब देखिए, जैसे ही आप हिली एरियाज़ में या बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड कार में, ठीक है, एंड एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, टू एक्सट्रैक्ट परफॉर्मेंस या हिली एरियाज़ में गाड़ी को पुल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेव अप करना पड़ेगा इंजन, एंड गिवन द फैक्ट कि ये स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स बहुत ही ज़्यादा थ्रॉटल सेंसिटिव होते हैं, आई मीन जैसे ही आप एक सर्टन रेव लिमिट से ज़्यादा रेव अप करेंगे गाड़ी को, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। ये एक लायबिलिटी है स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स की। तो उससे क्या होगा, हिली एरियाज़ में गाड़ी को पुल करने के लिए या एक फुल लोड पैसेंजर्स का विद देयर लगेज कैरी करने के लिए आपको गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रेव अप करना पड़ेगा। उससे होएगा ये कि सर्टन रेव्स के बाद जाके जब आप अराउंड 3500-4000 rpm से ऊपर इंजन को रेव अप करेंगे, एंड वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी अंडर पावर्ड है, तो फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। अभी क्लेम्ड एफिशिएंसी बेशक MG आपको 11-12 के आसपास बताए कि सिटी में 11-12 दे देगी, बट जब आप हिली एरियाज़ में उसको लेके जाएंगे एंड ऑफ कोर्स जब आप फुल लोड कैरी करेंगे उस गाड़ी में,
फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होएगी, कैन रीच एज लो एज 6 to 7 किलोमीटर्स पर लीटर. तो ऑल एंड ऑल इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू बाय द हेक्टर पेट्रोल. आप डीजल वेरिएंट बेशक बाय कर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड कार, बट पेट्रोल वेरिएंट आपको अवॉइड करना चाहिए. अब कुछ लोग क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे कि हेक्टर की पावर तो 143 bhp है एंड हैरियर की पावर जो है वो सिर्फ 140 bhp है, तो मैं सिर्फ हेक्टर पेट्रोल को ही क्यों मेंशन कर रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि हैरियर जो है वो डीजल है, उसमें क्या है कि जो पावर डेफिसिट आ जाता है उसको टॉर्क कवर अप कर लेता है. हैरियर का जो टॉर्क है वो 100 न्यूटन मीटर ज़्यादा है हेक्टर पेट्रोल से. bhp बेशक 3 bhp कम है, लेकिन जो टॉर्क है वो 100 bhp ज़्यादा है. एंड SUVs में ज़्यादा जो काम आती है चीज़ वो होती है पुलिंग पावर, यानी कि आपका टॉर्क. एंड क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है तो वो चीज़ जो पावर डेफिसिट है उसको बहुत अच्छी तरह मास्क अप कर देती है, एंड इसलिए हैरियर अंडर पावर्ड नहीं फील होती. तो इसलिए हेक्टर पेट्रोल आपको सिर्फ तभी कंसीडर करनी है अगर आप बेसिकली गाड़ी सिर्फ सिटी यूजेज के लिए ले रहे हैं. बट अगर आपको फुल लोड ऑफ पैसेंजर्स कैरी करना है विद देयर लगेज या ज़्यादा हिली एरियाज में आपको गाड़ी लेके जानी है, देन दी हेक्टर पेट्रोल इज़ हाईली अवॉइडेबल. एंड ऑफ कोर्स आपको डीजल के साथ ही परसिस्ट करना चाहिए. एक वार्निंग मैं आपको और दे देता हूँ, हेक्टर ऑटोमेटिक मत लीजिए. क्यों? एक तो वो ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एक रिस्पाइट है कि वो वेट टाइप है, बट ये जो गेयर बॉक्स है ये SAIC जो MG की पेरेंट कंपनी है उसने कोलैबोरेशन में बनाया जनरल मोटर्स के साथ GM, एंड ये बाहर भी जनरल मोटर्स की काफ़ी गाड़ियों में यूज़ हो रहा है लाइक शेवरले क्रूज एंड मेनी अदर कार्स. तो ये गेयरबॉक्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है. आप बेशक मेरी बात नहीं माननी आपने तो ऑनलाइन फोरम्स पे या गूगल पे यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं कि जो शेवरले का ड्यूअल क्लच गेयरबॉक्स है वो कैसा है रिलायबिलिटी में, एंड आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. तो हेक्टर ऑटोमेटिक आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है. हेक्टर पेट्रोल आप सिर्फ तभी कंसिडर कीजिए अगर आपको सिटी यूजेज के लिए गाड़ी चाहिए. अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्टॉस पेट्रोल के साथ जाइए मैनुअल वेरिएंट, या फिर आप कंपस पेट्रोल के साथ जाइए मैनुअल वेरिएंट, ऑटोमेटिक के लिए मत जाइए. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए. एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कार रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा आपके लिए तो इसको शेयर भी कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए. एंड अदर से सी यू अगेन.